चैनल मोनेटाइज हो गया है लेकिन डॉलर नहीं बढ़ रहे हैं। दोस्तों जब हम यूट्यूब पर काम करते हैं तो सबसे पहला क्या करते हैं कि किसी भी तरह 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे करें, और करते करते जो है हमको लगभग कम से कम अगर बात करूं तो 6 महीने और ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो ऐसे में दोस्तों काम करते करते अगर हमारा किसी भी तरह 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा हो जाता है, उस दिन हमको जो है काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है कि अब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और मोनेटाइजेशन के लिए जैसे ही हम अपने चैनल को अप्लाई करते हैं, हमारा चैनल फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप से होकर गुजरता है। पहले तो 1 साल का जो हमने 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे करने में लगाए हैं, अब उसका परिणाम का समय आ गया है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा 1K सब्सक्राइबर 4K वॉच टाइम कंप्लीट करने का ही रहता है, जो कि अप्लाई करते ही स्टार्ट करने पर डन हो जाता है। सेकेंड स्टेप में दोस्तों एडसेंस को हमारे चैनल के साथ लिंक करने का ऑप्शन आता है, और हम वहां पर एडसेंस अकाउंट बनाते हैं, और हमारा एडसेंस अकाउंट जो है वहां पर चेक करता है कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट है या नहीं। कंप्लीट रहता है तो अप्रूव हो जाता है और हमारा एडसेंस भी हमारे चैनल के साथ लिंक हो जाता है। स्टेप थर्ड में दोस्तों मेन परीक्षा की घड़ी आती है, क्योंकि टीम यूट्यूब जो है वहाँ पर खुद चैनल को चेक करती है, मॉनिटरिंग करती है, और वो देखती है कि किस तरीके से आपने 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा किया है। कहीं कोई ऐसा कंटेंट बनाकर या कुछ ऐसा अपलोड कर जो है आपने कहीं फेक सब्सक्राइबर, फेक वॉच टाइम या कोई इलीगल काम करके तो नहीं ना जुटाए हैं। तो इस वजह से थर्ड स्टेप में चेक किया जाता है। बहुत लोगों का चैनल वहाँ पर रिजेक्ट भी हो जाता है। और थर्ड स्टेप से मान लीजिए कि आपका चैनल निकल गया, आपकी थोड़ी मेहनत अच्छी थी और आपका चैनल थर्ड स्टेप भी पार कर गया, तो फाइनली जो है आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपको कंग्रेचुलेशन का एक ईमेल आ जाता है। अब दोस्तों ईमेल तो हमको मिल गया कंग्रेचुलेशन का, अब हम अपनी वीडियो पर ऐड लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, और हमारी वीडियो अगर 8 मिनट की ऊपर की है तो उस पर मल्टीपल ऐड भी लगा देते हैं, जिससे कि हमारी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा हो। लेकिन दोस्तों मैंने यूट्यूब पर यह देखा है कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, सब कुछ हम करने लगते हैं, मोनेटाइजेशन के बाद वीडियो अपलोड करने लगते हैं, काम करने लगते हैं अच्छे से, और हम चाह में रहते हैं कि हमारी अर्निंग आएगी, लेकिन पहली मंथ या दूसरी मंथ में तो हमारी अर्निंग कभी नहीं आती है। बहुत कम यूट्यूबर की आती है जिनके वीडियो थोड़े वायरल होते हैं, क्योंकि दोस्तों 1 साल तो पहले ऑलरेडी हमने लगाया है, उसके बाद अब जो है हमको फिर से उसमें थोड़ा समय देना पड़ता है, और इस कंडीशन में दोस्तों हम थोड़ा निराश भी होने लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब सफलता मिलती है, जैसे कि हमको कोई रिजल्ट मिलता है क्लास का, तो उसके बाद ये होता है कि अब हम नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हैं। लेकिन यूट्यूब में थोड़ा सा निराशा उसके बाद भी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि चैनल मोनेटाइज हो जाता है, ऐड भी आने लगता है, सब कुछ हम काम भी करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद 1 से 2 महीने का समय लगता है हमारे जो है $100 कंप्लीट होने में। आपको पता है कि एडसेंस में जब तक $100 कंप्लीट नहीं होंगे आपको आपकी पहली पेमेंट नहीं मिलेगी, तो चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी थोड़ा टाइम लगता है। अब दोस्तों ऐसे में हम ऐसा क्या करें कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद हमारी पेमेंट कम से कम महीनों में हमको मिल जाए। कई कई लोगों की तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, बहुत ज़्यादा समय के बाद उनकी पहली पेमेंट मिलती है मोनेटाइज होने के बाद। तो ऐसे में 1 साल तो पहले ही गया और ये जो प्रोसेस अब चल रहा है कि $100 पूरा होगा तभी मिलेगा, तो ऐसे में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो दोस्तों ऐसा क्या करना चाहिए कि $100 हमारे थोड़े जो है फास्टली जो है हो, ताकि हमको पहली पेमेंट मिल सके। तो देखिए जो सबसे पहले हम गलतियां करते हैं वो जान लेते हैं। गलतियां ये हैं कि जैसे चैनल मोनेटाइज होता है हम थोड़े से रेस्ट करने लगते हैं, हम थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं और चैनल पर जो है कम ध्यान देने लगते हैं, जबकि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जैसे ही चैनल मोनेटाइज हो आपको पर डे जो है कम से कम 1 या 2 वीडियो अपलोड करते रहना चाहिए, और आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि आपकी कौन सी वीडियो वायरल हो रही है उसके टॉपिक के ऊपर जो है आपको ज़्यादा वीडियो बनानी चाहिए। और अगली गलती हम ये करते हैं दोस्तों कि हम अपने सभी वीडियो पर ऐड को जो है अच्छे से नहीं लगाते हैं। दोस्तों आपका चैनल जब मोनेटाइज होता है, जब तक आप वीडियो पर ऐड को सही से इनेबल नहीं करेंगे आपके वीडियो पर ऐड नहीं आएंगे, और आपके वीडियो पर जब ऐड नहीं आएंगे तो आपकी अर्निंग जो है नहीं इंक्रीज होगी। तो ऐड को अच्छे से लगाएं, और 8 मिनट के ऊपर की वीडियो है तो उस पर जो मिड रोल ऐड बीच बीच में जो है लगा देना चाहिए, ताकि जो है अगर आपकी 8 मिनट की वीडियो को कोई देखे तो उसको कई बार ऐड दिखाई दे और आपकी अर्निंग थोड़ी तेजी से बढ़े। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि आप ध्यान में रखकर आप अपने $100 बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो आपकी वायरल हो रही हैं उनका थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन जिस तरह से आपने डाला है उसी से रिलेटेड जो है आपको बाकी वीडियो में भी काम करते रहना चाहिए। ये नहीं कि बार बार वही रिपीटेड वीडियो डालिए, ऐसा करना है कि उसी से रिलेटेड जो टॉपिक रहे, और ताकि ऑडियंस जो है आपको वहाँ पर मिलती रहे। और आपको वहाँ पर जाकर देखना है कि कौन सी वीडियो आपकी ज़्यादा रैंक कर रही है, किस वीडियो पर ज़्यादा वॉच टाइम आ रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको वीडियो कंटिन्यूसली जो है अपलोड
अपलोड करना है। और सबसे बड़ी गलती दोस्तों मैं आपको बता दूं लोग करते क्या है, चैनल मोनेटाइज हो जाने के बाद जो है हम थोड़ी लंबी लंबी वीडियो लालच में आकर बनाने लगते हैं कि हमारी 8 मिनट की वीडियो रहेंगी तो हम वहाँ पर मिड रोल ऐड लगाएंगे जिससे कि हमारी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन आपको पता है कि जब चैनल न्यू रहता है तो हमारी वीडियो को काफ़ी कम लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो बड़े क्रिएटर हैं अक्सर उन्हीं की लॉन्ग वीडियो देखी जाती है और उनके वीडियो में लोग रुचि भी लेते हैं। लेकिन अभी हम नए यूट्यूबर हैं तो हमको ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनानी चाहिए, हमारी वीडियो का रेशियो जो है 4 से 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट ही होना चाहिए। कोशिश करें 3.5, 5.5, 6 इस तरह का मिनट में जो है वीडियो आपको बनानी चाहिए ताकि आपकी वीडियो जो है वायरल हो। और अपने वीडियो में कंटेंट को हमेशा ध्यान में रखिए, उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, हैशटैग कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख कर जो है काम करते रहना है ताकि जो है आपके एडसेंस में $100 बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो और वो आपको मिल सके। दोस्तों हम लोग बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो कि छोटी छोटी हैं जिसकी वजह से हमारा चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी हमारे एडसेंस में $100 कंप्लीट करने में हमको 2 से 3 से 4 महीने तक लग जाते हैं, तब जाकर हमारी पेमेंट आती है। और आपको तो पता है दोस्तों कि जो यूट्यूब की अर्निंग रहती है वो 10 तारीख तक जो है एडसेंस में अपडेट होती है और 10 तारीख तक जो एडसेंस में अर्निंग अपडेट हुई रहती है अगर वो $100 तक पूरी रहती है तो 21 डेट तक जो है हमारे अकाउंट में भेज दी जाती है, और अगर वहाँ पर $100 पूरा नहीं रहता है तो वो जो है अर्निंग नेक्स्ट मंथ के लिए जो है रोक दी जाती है, होल्ड हो जाती है। फिर यूट्यूब की अर्निंग 10 तारीख को अपडेट होती है नेक्स्ट मंथ में, तो फिर जब हमारा जो $100 अगर पूरा होता है तब 21 डेट को नेक्स्ट मंथ में जो है हमारी अर्निंग हमारे अकाउंट में आ पाएगी। तो ऐसे में जो है 1 महीना लेट का अर्निंग जो है YouTube खुद ही भेजता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको जो है चैनल मोनेटाइज करने के बाद जो है थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आप इस तरह से काम करेंगे जैसे कि मैंने बताया, आपको जो है काम नहीं छोड़ना है, रेगुलर वीडियो डालना है, जो टॉपिक जो है आपकी ज़्यादा वायरल हो रही है उसी से रिलेटेड वीडियो डालना है, ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो नहीं बनाना है, अच्छी टॉपिक है, अच्छा कंटेंट है तो उस पर जो है लंबा वीडियो बना सकते हैं। कोशिश करें कि 4 से 6 मिनट की वीडियो बनाने की कोशिश करें, और अगर 8 मिनट की ऊपर की वीडियो है तो उस पर ज़्यादा ऐड लगाइए, मिड रोल ऐड लगाइए ताकि उससे जो है ज़्यादा अर्निंग हो। और अपनी हर वीडियो में ऐड लगाने की कोशिश कीजिए, हर वीडियो को पार्टिकुलर तरीके से चेक करके जो है ऐड लगाइए ताकि आपकी जो भी YouTube से अर्निंग हो वो थोड़ी ज्यादा हो और जल्दी आपके एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट हो। तो दोस्तों ये सभी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान में रखकर काम करते हैं तो चैनल मोनेटाइज होने के बाद जो $100 कंप्लीट करने में समय लगता है वो बहुत ही फास्टली आप कंप्लीट कर पाएंगे और आपकी फर्स्ट पेमेंट जो है 1 मंथ नहीं तो 2nd मंथ में जो है जरूर आपको मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, आप अपने हर वीडियो में इंड स्क्रीन लगाएं ताकि वीडियो जब समाप्त हो तो वहां पर आपकी कुछ वीडियो जो है व्यूवर्स के सामने आए ताकि वो उस पर भी क्लिक करके आपकी बाकी वीडियो को देख सके। कार्ड में जो है वीडियो को लगाने की कोशिश करें, वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डालने की कोशिश करें जिससे कि लोग ज़्यादा आपकी वीडियो को देखेंगे और उससे जो है आपके वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आएंगे, ज़्यादा ऐड आएंगे तो आपके $100 जो है जल्दी कंप्लीट होंगे। तो दोस्तों अगर आपके वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।